राजन को आप देख रहे हैं एसडी न्यूज। अभी इस वक्त खड़े हैं हम राबड़ी आवास पे 10 सर्कुलर रोड में, और यहाँ पे ऐश्वर्या राय को, जो कि तेज प्रताप की बीवी हैं, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। ऐश्वर्या राय ने साफ आरोप लगाया है कि राबड़ी देवी ने उन्हें घर से बाहर निकाला है, जो कि साफ तस्वीरें आप यहाँ देख सकते हैं। मीडिया कर्मी से लेकर सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, चंद्रिका राय खुद मौजूद है, और ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार ऐसी घटनी हुई है। उनकी माँ भी देख सकते हैं किस तरीके से परेशान है। ऐश्वर्या राय का पूरा परिवार यहाँ पहुँचा है, जिस तरीके से परेशान इन लोग हुए हैं, तो कहीं ना कहीं साफ कह सकते हैं ऐश्वर्या राय को घर से घसीट कर निकाला गया है, पीटा गया है, यह आरोप लगाया गया। उसके बाद FIR करने तक की बात सामने आई है। परिवार वाले खुद परेशान हैं कि ये दूसरी बार ऐसी घटना हुई है, और हमारे साथ उनकी माँ भी हैं। आखिर ये बार बार ऐसा क्यों किया जा रहा है? मुझे नहीं पता। विकृत मानसिकता, उनकी कुत्सित विचार विकृत मानसिकता का परिचायक है। तो आखिर पहली बार भी जो हुआ, तो महिला आयोग की भी टीम पहुंची थी, उसके बाद भी मामला को सलटाया गया था, लेकिन बार बार इस तरीके की घटना, घर से बाहर निकाल देना मारकर, कहीं ना कहीं क्या साबित करना चाहती हैं? और ये पोस्टर की बात आ रही है, पोस्टर में क्या था ऐसा? मुझे जानकारी नहीं क्या पोस्टर में था। पटना यूनिवर्सिटी में कोई पोस्टर छपा हुआ था, तो कुछ दोपहर में हम लोगों को समझ में आया कि कुछ ऐसा है, फिर हम लोगों ने उसको इग्नोर कर दिया तो शाम में इन लोग में बकझक हो गई, उसके बाद मारपीट के निकाल दिया इसको, इसका फ़ोन भी छीन लिया। तो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से अगर बात कर लिया जाए, तो हमारे साथ थाना प्रभारी भी हैं, इनसे भी बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर इस तरीके का हो रहा है, क्या कुछ कर रहे हैं? अभी लिखा पढ़ी हो रही है, जैसा भी रिटर्न प्राप्त होता है या जैसा भी वो बयान देती हैं, तो विधि के अनुकूल कार्रवाई की जाएगी। FIR करने की बात हो रही है, FIR करने के बाद आप लोग क्या करिए? जो भी होगा विधि के अनुकूल ही कार्रवाई होगी। और पोस्टर की बात सामने आ रही है, पोस्टर में ऐसा क्या कुछ है? जो भी रिटर्न पटिशन प्राप्त होती है, पहले प्राप्त होने दें, तो तदनुसार आगे विधि के अनुकूल कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल आगे की ओर कार्रवाई की जाएगी FIR होने के बाद। महिला थाने के भी SHO पहुंची हुई है, आरती कुमार जसवाल, और वो खुद ऐश्वर्या राय के साथ है और मॉनिटरिंग कर रही हैं, और जहाँ जहाँ जो घटना हुआ ऐश्वर्या राय के साथ वहाँ गई हुई है। तो आप साफ देख सकते हैं कि राबड़ी आवास के बाहर जिस तरीके का हुजूम लगा हुआ है, जिस तरीके से ऐश्वर्या के साथ दूसरी बार ये घटना सामने आई है, और बार बार ऐश्वर्या राय को टॉर्चर किया जा रहा, ये एक सबसे बड़ा सवाल आ रहा है कि पटना यूनिवर्सिटी में कोई एक पोस्टर का मामला है, जो कि चंद्रिका राय और ऐश्वर्या का जो एक पोस्टर वायरल किया गया था, हालांकि उस पोस्टर के बारे में खुलकर बता नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं इशारा किया जा रहा है उसी ओर। साफ हुजूम लगा हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी SHO यहां पहुंचे हुए, महिला थाने के भी SHO यहां पहुंची हुई है, ऐश्वर्या राय को लेकर उस साइड गई है, चारों तरफ देखा जा रहा है, छानबीन किया जा रहा है। और यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि ऐश्वर्या राय जहाँ ये राबड़ी आवास है, वहाँ ऐश्वर्या राय घर के पास तो हैं, लेकिन घर के अंदर से अभी तक कोई निकले नहीं हैं। तो साफ हम कह सकते हैं कि इस तरीके की घटना दूसरी बार सामने आई है, और ये बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है।